स्थानीय उत्तरी गांधी मैदान स्थित महर्षि विद्यापीठ में शनिवार को फर्स्ट पीरियोडिक टेस्ट का परिणाम प्रकाशित किया गया, जिसमें विद्यालय के सभी बच्चों ने 100% सफलता हासिल की। इस अवसर पर शिक्षक अभिभावक संगोष्ठी का भी आयोजन किया गया। बच्चों के उत्कृष्ट प्रदर्शन को देखते हुए अभिभावकों ने विद्यालय परिवार की सराहना की, तो वहीं विद्यालय के निदेशक साकेत रोशन ने सभी अभिभावकों से अपील की कि आपका सिर्फ साथ चाहिए, परिणाम संस्था देगी। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हमारा विद्यालय दृढ़ संकल्पित भावना के साथ काम कर रहा है। हमारे बच्चे देश के भविष्य हैं और हम इस भविष्य को बेहतर बनाने के लिए हमेशा कृत संकल्पित रहेंगे। वहीं स्कूल की प्रिंसिपल सोनाली शर्मा ने कहा कि वर्तमान समय में लोगों की व्यस्तता इस कदर बढ़ गई है कि कई अभिभावक अपने बच्चों के लिए समय नहीं निकाल पा रहे हैं। इस कारण बच्चों को अभिभावकों के बीच दूरी बढ़ती जा रही है, जबकि अपने बच्चों की प्रतिभा को निखारने में उनकी अहम भूमिका है, इसलिए उन्हें बच्चों पर पर्याप्त समय देना चाहिए। इस अवसर पर स्कूल निदेशक साकेत रोशन के अलावा प्रिंसिपल सोनाली शर्मा, शिक्षिका श्रुति केसरी, सोनम कुमारी, ब्यूटी कुमारी, रिंकी कुमारी, शिक्षक हिमांशु शर्मा सहित कई अन्य लोग मौजूद थे। ईशा न्यूज के लिए एस के मिर्जा की रिपोर्ट। पीटीएम का आयोजन किया गया स्कूल लेकर पेरेंट्स टीचर मीटिंग का, तो सभी अभिभावक आए, बच्चों का रिजल्ट लेने शिक्षकों से मिले, उनसे बातचीत की, क्लास में बच्चों का परफॉर्मेंस कैसा है, बच्चे घर पर क्या करते हैं नहीं करते हैं, किस तरह से पढ़ाई करते हैं, पेरेंट्स बच्चों को कितना टाइम देते हैं, ऐसा ये टीचर्स का समझाना था पेरेंट्स को कि सिर्फ ट्यूशन टीचर और स्कूल के भरोसे ही बच्चों को ना छोड़े, पेरेंट्स को अपने हिसाब से बच्चों को टाइम देना चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स जितना बच्चों को देख सकते हैं उतना कोई भी नहीं देख सकता। तो सभी टीचर्स ने गुजारिश की पेरेंट्स से कि कितनी भी व्यस्तता हो, कितने भी आप बिजी हो, पर अपने बच्चों को समय जरूर दीजिए। और रिजल्ट काफ़ी अच्छा था बच्चों का, सभी ने खूब मेहनत की। रिजल्ट का दिन सिर्फ बच्चों के लिए खास नहीं होता, टीचर्स के लिए भी होता है, क्योंकि उन्होंने पूरे साल मेहनत की होती है और तब जाकर बच्चों में इतना इम्प्रूवमेंट आता है। और पेरेंट्स से बस ये है कि बच्चों का रिजल्ट अगर अच्छा नहीं आया तो ऐसा भी नहीं कि उस पर प्रेशर बनाना है कि हाँ बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे। पेरेंट्स को उन्हें समझाना है, उन्हें समय देना है, और टीचर्स का भी ये नहीं कि बच्चे अगर नहीं पढ़ रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं तो उसको पनिशमेंट किया जाए या कुछ भी किया जाए, उन्हें प्यार से ही हैंडल कर सकते हैं हम लोग। बाकी रिजल्ट का दिन यही सब समझाने का तरीका होता है, और रिजल्ट तो अच्छा था, पर स्कूल का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा चल रहा है, बाकी पीटीएम में सारा कुछ अच्छा रहा। आज महर्षि विद्यापीठ में फर्स्ट प्रायोगिक टेस्ट परीक्षा का परिणाम प्रकाशित किया गया, जिसमें 100% बच्चों ने सफलता हासिल की। हम अगर आपको से यही कहना चाहते हैं कि आपका सहयोग अगर हमें इसी तरह मिलता रहे तो हम बच्चों में और भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट जरूर देंगे। बच्चे के प्रति ये विद्यालय हमेशा कृतज्ञ रहा है और रहेगा। हम आपके बच्चे को उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं और बेहतर और इससे भी ज़्यादा बेहतर परीक्षा परिणाम के हेतु हम हमेशा दृढ़ संकल्पित रहेंगे।